नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र व्यास। स्वागत है आपका विजडम बिलो द यूट्यूब चैनल पर। अपन पढ़ रहे हैं गति और बल के बारे में। दोस्तों, गति और बल के बारे में इससे पहले की कक्षाओं में अपन ने गति क्या होता है वो पढ़ा। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। उसके बाद गति के नियम पढ़े अपन ने दोस्तों, गति के नियम। और गति के नियम दोस्तों न्यूटन ने दिए, सर आइजक न्यूटन ने दिए। गति के तीन नियम दिए। पहला नियम जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, और ये नियम सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। उसके बाद गति का दूसरा नियम जो कि बल की गणितीय परिभाषा देता है, और गति का पहला नियम बल की परिभाषा देता है। उसके बाद अपन ने दूसरा नियम गति की गणितीय परिभाषा F=ma जो अपने सूत्र डिराइव किया था। उसके बाद गति का तीसरा नियम जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, वो गति की दिशा को बल की दिशा को प्रदर्शित करता है दोस्तों। उसके बाद अपन ने गति के समीकरणों के बारे में पढ़ा। समीकरण, गति के तीन समीकरण दोस्तों होते हैं, V=U+at पहला समीकरण, दूसरा S=UT+1/2at² तीसरा V²=U²+2as। ये तीनों के तीनों समीकरण अपन ने पढ़ लिए हैं दोस्तों। इसके ऊपर अपन ने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए हैं, अच्छा है आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करी होगी। अब अपने को पढ़ना है दोस्तों गति आगे कितने प्रकार की होती है, या गति के प्रकार क्या है। गति दोस्तों मुख्यतः पांच प्रकार की होती है। पहला रेखीय गति, दूसरा यादृच्छिक गति, तीसरा आवर्त गति, चौथा दोलन गति, और पांचवा होता है दोस्तों वृत्तीय गति। क्या होता है रेखीय गति? वह गति जिसमें कोई वस्तु सरल रेखीय गति करे या किसी निश्चित दिशा में गति करे दोस्तों, सरल रेखीय गति कहलाती है या रेखीय गति कहलाती है। दूसरा बात इसके बारे में, सरल रेखीय गति के बारे में अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है, गति के नियम पढ़ लिए हैं, गति के समीकरण पढ़ लिए हैं। उसके बाद अपन ने यादृच्छिक गति क्या होता है दोस्तों, यादृच्छिक गति ऐसी गति जिसमें वस्तु की गति की दिशा निश्चित नहीं होती है, किसी भी दिशा में मन चाहे तरीके से गति कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन पशु पक्षियों की गति, पशु पक्षियों की गति कोई निश्चित नहीं होती है, मन चाहे उधर उड़ सकते हैं, वो यादृच्छिक गति कहलाती है। एक और उदाहरण ले सकते हैं अपन, किसी बर्तन में गैस भरी हुई है तो उसके अणुओं की गति दोस्तों यादृच्छिक गति होती है, यादृच्छिक गति होती है। यादृच्छिक गति का एग्जांपल याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है गैस के अणुओं की गति, बर्तन में, बर्तन या सिलेंडर, सिलेंडर में गैस के अणुओं की गति के अंदर जिस गति से, जिस वेग से गतिमान होते हैं उसे दोस्तों अफवाह वेग कहते हैं। गैस के अणु बर्तन में या सिलेंडर में जिस वेग से गति करते हैं दोस्तों अफवाह वेग कहते हैं, क्योंकि गैस के अणु आपस में टकराते हुए गति करते हैं उसे अफवाह वेग कहते हैं। अफवाह वेग का सूत्र होता है दोस्तों VD = -EE2/m। ये होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए या ऋण आवेश के लिए होता है, ये ऋण आवेश के लिए होता है, ऋण आवेश के लिए। धन आवेश के लिए दोस्तों VD = होता है EE2/n, ये होता है यादृच्छिक गति। उसके बाद दोस्तों होता है अपन वृत्तीय आवर्त गति से स्टार्ट कर, तीसरा थर्ड होता है दोस्तों आवर्त गति। आवर्त गति होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है। आवर्त गति दोस्तों कोई भी वस्तु अपने पथ को बार बार रिपीट करे, जिस पथ पर गति कर रही है उसी पथ का वापस पुनः अनुसरण करे, कुछ ही देर में कुछ निश्चित समय के बाद अपने पथ की पुनरावृत्ति करे, उसे कहते हैं दोस्तों आवर्त गति। एक बार फिर से समझते हैं, आवर्त गति किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु अपने पथ पर कुछ समय बाद फिर से उसी पथ पर गति करे, यानी अपने उसी पथ पर गति करते रहे, उसे कहते हैं दोस्तों आवर्त गति। एग्जाम्पल ले सकते हैं सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति,
सूर्य के चारों ओर और ग्रह दोस्तों एक निश्चित समय के बाद पुनः उसी पथ पर गति करते रहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार रूप में गति करते रहते हैं सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह। एक और एग्जांपल ले सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर जो चंद्रमा की गति है वो भी कुछ निश्चित समय बाद पुनः उसी पथ पर गति करता रहता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हो ले सकते हैं अपन, पृथ्वी खुद भी अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमती रहती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, उसे भी अपन आवर्त गति के रूप में कह सकते हैं। और एग्जाम्पल ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है प्रकृति के अंदर, अपन पेंडुलम की गति भी ले सकते हैं। दोस्तों पेंडुलम होता क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए पेंडुलम की गति। पेंडुलम क्या होता है दोस्तों, अपन आपने घड़ी देखी होगी जिसमें एक पेंडुलम होता है और निश्चित समय में वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है, वही पेंडुलम वही कहलाता है। अपने पथ के ऊपर कुछ समय में फिर वापस से दोहराता रहता है, वही पेंडुलम है, पेंडुलम की गति ले सकते हैं। इस तरीके से अनगिनत एग्जांपल है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, क्या जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति है इसके भी कुछ नियम है। जैसे अपन ने पहले रेखीय गति के अंदर न्यूटन ने जो नियम दिए हैं गति के वो पढ़े हैं, इसमें जो नियम है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति आवर्त गति इसके नियम दिए हैं दोस्तों केपलर ने। किसने दिए हैं, केपलर ने। और केपलर ने भी तीन ही नियम दिए हैं, पहले पहला नियम जिसे कक्षाओं का नियम कहा जाता है, कक्षाओं का नियम। और दोस्तों ये नियम होता क्या है, इस नियम के अनुसार सूर्य के चारों तरफ ग्रह एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और इस दीर्घ वृत्त के किसी एक नाभि पर सूर्य स्थित होता है, इसे कक्षाओं का नियम भी कहते हैं और त्रिज्याओं का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम केपलर ने दिया था दोस्तों क्षेत्रफलों का नियम, क्षेत्रफलों का नियम। और केपलर के इस नियम के अनुसार दोस्तों कोई भी ग्रह जिससे सूर्य, जिस ग्रह से सूर्य को मिलाती हुई रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, दोस्तों ग्रह सूर्य से मिलाती हुई रेखा से समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। जैसे दीर्घ वृत्त की इस नाभि पर कोई सूर्य स्थित है, इस नाभि पर सूर्य स्थित है और यहाँ पर कोई ग्रह है, तो यहाँ से ये रेखा जितने समय में ये क्षेत्रफल तय करेगी वही क्षेत्रफल यहाँ ग्रह होते हुए यहाँ से यहाँ गति करने में तय करेगा, क्षेत्रफल दोनों का बराबर होता है, कुल मिलाकर ये है। उसके बाद केपलर ने थर्ड नियम दिया दोस्तों जिसे आवर्त का नियम कहते हैं, आवर्त का नियम, आवर्त का नियम। इस नियम के अनुसार होता क्या है दोस्तों, जो इसका आवर्त काल है उसका स्क्वायर इसके दीर्घ अक्ष के दीर्घ अर्ध अक्ष के क्यूब के समानुपाती होता है। ये केपलर ने दोस्तों तीनों नियम दिए जिसे अपन केपलर के ग्रही गति के नियम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अपने को पढ़ना है आवर्त गति, अपने को पूरा समझ में आया है। इसके बाद अपने को पढ़ना है दोलन गति। दोलन गति क्या है, कोई भी वस्तु अपनी साम्य स्थिति के इर्द गिर्द या आसपास गति करे दोस्तों उसे दोलन कहते हैं। ध्यान देने की जरूरत है, दोलन गति एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि आवर्त गति ही है, दोलन गति एक तरीके से आवर्त गति ही है, क्योंकि दोलन गति आवर्त गति क्या है, कोई भी वस्तु अपने पथ पर पुनः बार 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 गति करे, अपने पथ को रिपीट करे, वह आवर्त गति है। और दोलन गति क्या है, अपनी साम्य स्थिति के आसपास गति करो कोई वस्तु तो दोलन गति कहलाती है। जैसे अब मैं एक पेंडुलम का एग्जांपल लेता हूँ, पेंडुलम का, इसके अंदर दोस्तों ये जो पेंडुलम है ये इसकी साम्य स्थिति, साम्य स्थिति का मतलब यहाँ पे फोर्स जीरो लग रहा है, फोर्स जीरो लग रहा है, कोई बल नहीं लग रहा है, न तो ये इधर जा रही है न इधर जा रही है दोस्तों, दोनों तरफ नहीं जा रही है, ये स्वतंत्र पूर्वक अगर किसी वस्तु को लटकाया जाए तो उसकी जो स्थिति होती है उसे साम्य स्थिति कहा जाता है, साम्य स्थिति। अब इस साम्य स्थिति के यहाँ से यदि मैं इसको यहाँ तक खींच के और छोड़ दूँ तो दोस्तों ये इधर यहाँ तक आएगी, फिर वापस यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ तक आएगी, ये जो गति है दोलन दोस्तों ये दोलन गति कहलाती है। इस आधार पर अपन एक फैक्ट्स लिखेंगे, क्या फैक्ट है दोस्तों, प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, लेकिन प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति हो यह
संभव नहीं है, यह नहीं हो सकता। प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, लेकिन प्रत्येक आवर्त गति वह दोलन गति हो यह आवश्यक नहीं है। इसके बाद अपने को पढ़ना है सरल आवर्त गति। दोस्तों सरल आवर्त गति होता क्या है? सरल आवर्त गति दोस्तों, सरल आवर्त गति एक प्रकार की दोलन गति ही है। सरल आवर्त गति एक प्रकार की दोलन गति ही है, जिसके अंदर दोस्तों होता क्या है, एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो उस वस्तु को वापस पुनः साम्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है, साम्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है। सरल आवर्त गति में एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो उसे पुनः साम्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है। प्रत्यानयन बल को एफ कहते हैं दोस्तों। और उस वह प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत दिशा में समानुपाती होता है। यहां से यदि इसको यहां तक लाया गए तो बल इस दिशा में लगेगा, विस्थापन की विपरीत दिशा में। माना इसका विस्थापन यहां से y है, तो f समानुपाती माइनस ऑफ y है। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के वाई। के दोस्तों एक स्थिरांक है, के दोस्तों एक स्थिरांक है, समानुपाती नियतांक कहा जाता है स्थिरांक। इसके अंदर दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, वो क्या है? एक तो आता है इसमें आवर्तकाल। आवर्तकाल होता क्या है? आवर्तकाल को दोस्तों कैपिटल टी से प्रदर्शित करने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। एक दोलन में लगने वाला समय दोस्तों आवर्तकाल कहलाता है। उसके बाद होता है आवृत्ति। आवृत्ति को दोस्तों दो तीन शब्दों से निरूपित कर सकते हैं, स्मॉल एन से भी प्रदर्शित किया जा सकता है और एफ से भी, बहुत सी बार एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और आवृत्ति का मतलब होता है आवर्तकाल, एक दोलन में लगने वाला समय, और आवृत्ति का मतलब एक सेकंड में किए दोलनों की, एक सेकंड में किए दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या दोस्तों आवृत्ति कहलाती है। दोनों में एक संबंध है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि आवृत्ति तथा आवर्तकाल में क्या संबंध है, तो दोस्तों आवृत्ति और आवर्तकाल में ये संबंध है, वन अपॉन एन, या एन इज इक्वल टू वन अपॉन टी ऐसे भी लिखा जा सकता है, और आवृत्ति इज इक्वल टू ये भी लिखा जा सकता है दोस्तों वन अपॉन आवर्तकाल। इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली है दोस्तों, है क्या मैं बता रहा हूं। इधर यहां से यदि यहां से इसको इधर खींचा जाए तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये अधिकतम विस्थापन भी कहलाता है और ये आयाम भी कहलाता है, ये अधिकतम विस्थापन भी कहलाता है और आयाम कहलाते हैं। अपन ने सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल जो कि कण को पुनः साम्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है वह विस्थापन की विपरीत दिशा में लगता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। प्रत्यानयन बल कहलाता है, प्रत्यय बल आ गया, इसका मतलब इसका मात्रक न्यूटन ही है। एफ इजिकल टू माइनस ऑफ के वाई, और एफ इजिकल टू होता क्या है दोस्तों, एफ इजिकल टू एम ए अपन ने पढ़ रखा है, एम ए इजिकल टू माइनस ऑफ के वाई। ए इजिकल टू क्या है? ए त्वरण है दोस्तों, ए त्वरण है, जिसको अपन ने क्या कहा, वेग में परिवर्तन की दर। और आपको पता है पूरे पूरा पहले वाली क्लास में अपन ने लिखा है कि वी अपॉन टी भी लिख सकते हैं त्वरण को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस यू अपॉन टी, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डीवी अपॉन डीटी, डीवी अपॉन डीटी, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वी है क्या? वेग। वेग इज इक्वल टू क्या होता है? वेग। वेग इज इक्वल टू होता है दोस्तों विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन, विस्थापन को वाई लिखा है, वाई अपॉन टी, विस्थापन अपॉन समय वेग को परिभाषित करता है। विस्थापन समय ग्राफ किसको प्रदर्शित करता है? विस्थापन समय ग्राफ वेग को प्रदर्शित करता है। और विस्थापन अपॉन समय वेग, यहाँ पे यदि v की वैल्यू रखेंगे दोस्तों तो ये क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर। ये अगर वैल्यू यहाँ पुट की जाए तो m डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर इजिकल टू माइनस ऑफ के वाई। ये इसको इधर भेजूंगा दोस्तों तो और क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस, ये देखना मैं इसको इधर ला रहा हूँ, या फिर ऐसे नहीं करते हैं पूरा ही सोल्व करते हैं, इजिकल टू माइनस ऑफ के अपॉन एम वाई,
इसको मैं इधर लाऊंगा या इसको ऐसे लिख देता हूँ के अपॉन एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिखता हूँ तो डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, ये होगा दोस्तों, इसको इधर ले आऊंगा तो प्लस का ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। ये दोस्तों सरल आवर्त गति का अवकलन समीकरण है, सरल आवर्त गति का अवकलन समीकरण, सरल आवर्त गति का, आवर्त गति का अवकलन समीकरण है। सरल आवर्त गति को दोस्तों एक नाम और है एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। कभी कभी सरल आवर्त गति न लिखकर वहां पे एस एच एम लिख देता है, न्यूमेरिकल कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, लेकिन एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेना जरूरी है अपने को। थ्योरी याद रहे नहीं रहे, फॉर्मूले याद रहना बहुत जरूरी है। अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं आया है, सिर्फ ध्यान रखने वाली बात क्या है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति किसका एग्जाम्पल है, ये दोस्तों किसका एग्जाम्पल है, आवर्त गति का एग्जाम्पल है, आवर्त गति का एग्जाम्पल है। और यही क्वेश्चन दूसरा पूछ ले, पेंडुलम गति कौन सी गति का उदाहरण है, तो पेंडुलम गति किसका उदाहरण है, दोलन गति का उदाहरण भी है और आवर्त गति का उदाहरण ही है, ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें अपन ने स्पेशल पॉइंट भी लिखा है, प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, लेकिन प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति हो यह आवश्यक नहीं है। और ये जो अपन ने समीकरण प्राप्त किया है ये सरल आवर्त गति का अवकलन समीकरण है, जिसका आंसर होता है दोस्तों वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये सरल आवर्त गति के विस्थापन का समीकरण है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखने का जरूरत है, सरल आवर्त गति के, या एस एच एम लिख देता हूं तो मैं एस एच एम, सरल आवर्त गति के विस्थापन का समीकरण, विस्थापन का समीकरण। और जब अपने पास दोस्तों विस्थापन आ जाए अपन वेग ज्ञात कर सकते हैं, वेग आ जाए त्वरण ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, जो चाहे वो ज्ञात कर सकते हैं, कैसे अभी अपन देखते हैं। सरल आवर्त गति में विस्थापन का समीकरण है, क्वेश्चन ऐसे आ जाए सरल आवर्त गति के वेग का समीकरण, वेग का समीकरण ज्ञात करने के लिए दोस्तों विस्थापन दे रखा है, डायरेक्ट अवकलन किया जाता है, अवकलन किया तो ये dy बाय dt, इसका अवकलन कर रहा हूं दोस्तों, dy बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt, समय के सापेक्ष। याद नहीं रहे कोई बात नहीं, अपने को आंसर याद रखना है, लेकिन समझ में आ जाए तो समझ लेना है, a sin ओमेगा t। दोस्तों एक कांस्टेंट है साइन ओमेगा टी का अवकलन होगा कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा, तो यहां पे हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इजिकल टू वी, और यहां पे आ जाए ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये दोस्तों किसका समीकरण है, ये सरल आवर्त गति या एस एच एम का वेग का समीकरण है। इसको अपन और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखो, यहां पर क्या लिख रखा है ए ओमेगा साइन ओमेगा टी देखो, और वाई का समीकरण क्या है ए साइन ओमेगा टी, ओ यहाँ पे कोस ओमेगा टी लिखना है, साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी। वी इजिकल टू इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ओमेगा कोस ओमेगा टी, एक समीकरण होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू वन, कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पे यदि स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे ये रूट लग जाएगा, यही यहाँ कर रहा हूँ मैं, ये लिखा क्या आया दोस्तों वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये लिख दिया दोस्तों। वी इजिकल टू ए ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पे यदि साइन की वैल्यू निकाली जाए, यहाँ पे इस समीकरण से साइन की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आएगी साइन ओमेगा टी इजिकल टू वाई पोने, ये लो वाई पोने लिखा मैंने, रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये लिखा। आगे सोल्व करते हैं, वी इजिकल टू ए ओमेगा क्या आया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट के अंदर, और दोस्तों अपॉन में जो ए स्क्वायर है ए स्क्वायर रूट के अंदर, ये रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ ए बचेगा, ये ए, ए से ए कैंसिल हुआ दोस्तों, तो वी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, v की वैल्यू का क्या आ गई है दोस्तों, v इजिकल टू आया अपने पास ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोस्तों अपने पास किसका समीकरण आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर अपन थोड़ा एक दो न्यूमेरिकल की ट्राई करते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे होंगे दोस्तों। कोई ये पेंडुलम है,
यहाँ पे साम्य स्थिति पर अपन वेग ज्ञात करने चाह रहे हैं। साम्य स्थिति पर विस्थापन कितना होगा दोस्तों, वाई इज इक्वल टू जीरो, जीरो विस्थापन होगा दोस्तों। यहाँ से अपन ने यहाँ लाके छोड़ा, ऐसे गति कर रहा है, इस जगह पे विस्थापन कितना है, जीरो है, वाई इज इक्वल टू जीरो, जीरो विस्थापन है, तब वेग कितना होगा, वाई की जगह पे जीरो वैल्यू रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे वेग कितना होगा, वेग वी इज इक्वल टू दोस्तों कितना होगा, यहाँ जीरो रख दिया तो ए स्क्वायर ही बचा, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जीरो, तो वी इज इक्वल टू ए ओमेगा दोस्तों, अपने पास क्या आया, वेग आया। और कोई पूछ ले कि नहीं अधिकतम विस्थापन पर, अधिकतम इसको मैंने यहाँ ला के छोड़ा, ऐसे ऐसे गति कर रहा है, यहाँ पे दोस्तों अधिकतम विस्थापन हुआ है, ये जो विस्थापन है y, अधिकतम विस्थापन का मतलब आयाम y बराबर a हो, अधिकतम विस्थापन a हो, आयाम के बराबर हो, तो दोस्तों वेग कितना होगा, v इज इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस y कितके बराबर है, a तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो v इज इक्वल टू जीरो दोस्तों। अधिकतम आयाम की स्थिति पर पेंडुलम का वेग कितना होगा, जीरो होगा। उसके बाद अपन दोस्तों इसका अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं त्वरण, तो त्वरण वेग के फॉर्मूले का वापस अवकलन करेंगे, त्वरण आ जाएगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, दो क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। जब पेंडुलम साम्य स्थिति में हो तब पेंडुलम के वेग का सूत्र, जब पेंडुलम अधिकतम आयाम की स्थिति, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में हो तब पेंडुलम का वेग शून्य होता है। त्वरण ज्ञात करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, त्वरण के लिए भी सेम इसी प्रकार फॉर्मूला क्या है दोस्तों, टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। त्वरण ज्ञात करना चाह रहे हैं तो त्वरण ए इज इक्वल टू दोस्तों डीवी बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, ये लो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, ए ओमेगा ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ही लिख देता हूं मैं, और ये कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का जब अवकलन किया जाता है ये डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू ए आता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का अवकलन होता है कॉस का माइनस साइन, माइनस साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी का इंटू ओमेगा, तो ए इज इक्वल टू आया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी को वाई लिख सकते हैं दोस्तों, तो ए इज इक्वल टू क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वाई इज इक्वल टू क्या है अपने पास, ए साइन ओमेगा टी लिखा मैंने, क्या लिखा, ओमेगा स्क्वायर वाई, ये किसका सूत्र आया दोस्तों, त्वरण का सूत्र आया। अब त्वरण का भी ठीक निश्चित जो दो कंडीशन है वहां पे अपन क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, त्वरण ज्ञात करना चाह रहे हैं। जब पेंडुलम साम्य स्थिति में हो दोस्तों, साम्य स्थिति में हो यानी कि विस्थापन का मान जीरो हो, तब उसका त्वरण कितना होगा दोस्तों, तब त्वरण होगा वाई का वैल्यू यदि जीरो होगा तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा, जीरो, उसका त्वरण भी कितना होगा दोस्तों, जीरो। इस समीकरण में वैल्यू रखना है। और जब पेंडुलम का विस्थापन अधिकतम हो यानी कि y इज इक्वल टू a आयाम के बराबर हो, अधिकतम का मतलब ही आयाम ही है, अधिकतम विस्थापन आयाम को प्रदर्शित करता है, a के बराबर हो तो उसका त्वरण क्या आएगा, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a दोस्तों, ये उसका त्वरण होगा। उसके बाद अपने को त्वरण ने ज्ञात कर लिया है दोस्तों, अपन ज्ञात करते हैं कई गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होता क्या है दोस्तों, k इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे, वैल्यू लिखते ही अपना आंसर है, v की वैल्यू क्या है, k इज इक्वल टू दोस्तों वन बाई टू एम v की, इसको अपन ने प्रोपोर्शनल रूप में किसमें चेंज किया था दोस्तों, सॉरी इसको किया था अपन ने ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पुराना देखो आप मिल जाएगा आपको, ये आता है, ये इसकी क्या आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई। स्थिति ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, स्थिति ऊर्जा वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी स्थिति ऊर्जा होती है एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। फिक्स याद रखना, इसको याद भी कर सकते हैं लेकिन याद रखें तो वो अच्छा है। k इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू रखी उसका स्क्वायर किया दोस्तों क्या आएगा, k इज इक्वल टू वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला। अब दोस्तों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान ठीक इसी कंडीशन पे अपन ज्ञात करना करने की कोशिश कर रहे हैं जब कण साम्यावस्था में हो। पहले लोग की जगह पे यदि कण यूज कर ले तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। जब कण साम्यावस्था में हो, साम्यावस्था में हो तब वाई इजिकल टू जीरो, दोस्तों इन दोनों समीकरणों में वाई इजिकल टू जीरो रखेंगे। इसमें यदि वाई इजिकल टू जीरो रखा तो के इजिकल टू क्या है अपने पास, यहाँ लिखता हूँ साम्य स्थिति में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है अपने पास, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, वाई स्क्वायर जीरो हो गया तो ए स्क्वायर अपने पास काइनेटिक एनर्जी हो गई। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी याद करना चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी इजिकल टू वाई की वैल्यू जैसे जीरो रखा यहाँ पे जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इजिकल टू जीरो। और जब अधिकतम विस्थापन की स्थिति हो तो अधिकतम विस्थापन यानी आयाम के बराबर हो, वाई इजिकल टू ए हो, वाई इजिकल टू जैसे ही ए लिखा दोस्तों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, जैसे ही वाई इजिकल टू ए रखा तो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी दोस्तों कितना हो गया जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो y की जगह पे a लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। देखो आप देख सकते हो दोस्तों अधिकतम विस्थापन की स्थिति में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का जो योग है 1/2 दोनों का योग करेंगे ये आएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, वो का वो साम्य स्थिति में भी दोनों का योग समान है। अर्थात इससे सिद्ध क्या होता है, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, के ई प्लस पी ई पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी कण की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान सभी परिस्थितियों में क्या होता है, बिना चेंज होता है, निश्चित होता है। अर्थात ऊर्जा निश्चित होती है, इसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। जब गतिज ऊर्जा जीरो है तब पोटेंशियल एनर्जी ये है, और जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तब गतिज ऊर्जा ये है। अर्थात दोनों का योग हमेशा नियत रहता है, इसे एनर्जी कंजर्वेटिव कहते हैं या ऊर्जा संरक्षण कहते हैं, ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है दोस्तों। इस सरल लोलक किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, सरल आवर्त गति दोलन गति के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक दोलन गति सरल आवर्त गति होती है। पेंडुलम या सरल लोलक जिसको कहा जाता है सरल लोलक, इसके आवर्त काल का ही है सूत्र है छोटा सा सरल लोलक इसका दोस्तों। सरल जो आवर्त काल है उसको तो टी से ही प्रदर्शित किया जाता है, टी का फॉर्मूला होता है टी इजिकल टू 2π√L/g। ये एक फिक्स सूत्र है पेंडुलम या सरल लोलक के आवर्त काल का सूत्र। जब आवर्त काल याद करना हो निश्चित ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, तब एक फॉर्मूला लगाना है एल जी की वैल्यू पुट करनी है और सिद्ध करना है कि इसका आवर्त काल क्या है। दोस्तों आवर्त काल एम द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है, देखो यहाँ सरल लोलक के द्रव्यमान m को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, अर्थात सरल लोलक का जो आवर्तकाल है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, निर्भर नहीं करता है। यदि मैं ऊपर नीचे इसको गुणा कर दूं, ऊपर m का गुणा किया नीचे भी m का गुणा किया, और अपन जानते हैं कि किसी भी समीकरण में किसी भी संख्या का समान संख्या का गुणा या भाग कर दिया जाए तो उस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ दोस्तों mg अपॉन एल एक राशि है, एम जी अपॉन एल दोस्तों इसको के कहा जाता है। इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं टी इजिकल टू 2π√ क्या लिखेंगे एम, ये एम एम जी अपॉन एल ये है तो एम अपॉन के ये भी लिखा जा सकता है। दोनों सूत्र समान ही दोस्तों, यदि किसी का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कह दे तो ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा अपने को, इसलिए अपने ये फॉर्मूला सीखा है। उसके बाद है दोस्तों कौन सा बचा है अपना, आवर्त गति हो गया, दोलन गति हो गया, व्रति गति। इस सभी की एक साथ एग्जांपल कर लेंगे दोस्तों। व्रति गति क्या है, व्रति गति जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करे उसे व्रति गति कहते हैं। जब कोई वस्तु व्रति पथ पर गति करे वृत्ताकार गति कहलाती है या व्रति गति कहलाती है। व्रति गति के बारे में अपन और क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों, व्रति गति के अंदर किस कोई भी कण है जिसकी गति वृत्ताकार है उसके लिए एक आवश्यक बल है, कौन सा अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्रीय बल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल एफ का फॉर्मूला होता है दोस्तों mv² / r। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, mv² / r।
केंद्रीय बल एफ इजिकल होता है दोस्तों एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसके लिए एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, या फिर घड़ी, ये देखिए घड़ी के जो सुई है वो ऐसे वृत्तीय पथ पर ही गति करती है। या एक और अपन एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों, किसी भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति वृत्तीय गति होती है दोस्तों। और वहां पे अभिकेंद्रीय बल कहाँ से आएगा, तो वहां पे दोस्तों कूलाम बल लगता है या विद्युत बल लगता है। वही विद्युत बल दोस्तों अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता है। किसमें, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, और जब चक्कर लगाता है तो उसका त्वरण उत्पन्न होगा, वेग में कमी या बढ़ोतरी होगी तो त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला है वृत्ति गति में वी पोन आर दोस्तों, वृत्ति गति के अंदर वी पोन आर, इसका त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है वी स्क्वायर अपॉन आर। और वी ज्ञात करने का दोस्तों वृत्ताकार पथ पर किसी कण की गति ज्ञात करनी है, तो ये दोस्तों म्यू आर जी। यहाँ पे जी गुरुत्वीय त्वरण है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, आर वहां की त्रिज्या है जिस वृत्ताकार पथ पर गति करना चाह रहा है, और म्यू दोस्तों स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक है। सरल अवरोधित में विस्थापन के कौन से मान पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का मान बराबर होगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर - y स्क्वायर, और स्थिति ऊर्जा का 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि विस्थापन की वह वैल्यू ज्ञात करनी है जहां पर गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का मान बराबर हो। तो वैल्यू लिखा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर - y स्क्वायर = ये क्या है, स्थिति ऊर्जा का 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। देखो 1/2 से 1/2 m से m ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, a स्क्वायर - y स्क्वायर = y स्क्वायर बचा, y स्क्वायर उधर जाएगा तो a स्क्वायर = दोस्तों क्या बचा, y स्क्वायर + y स्क्वायर, तो a स्क्वायर = 2y स्क्वायर, तो y = क्या बचा दोस्तों, y = a स्क्वायर / 2, इसके ऊपर रूट, तो y = क्या है दोस्तों a / √2 ±। ये इस बिंदु पे दोस्तों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान बराबर होगा। एक और सरल आवृत्ति में कण का विस्थापन आयाम का आधा हो तो कण की गतिज व स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ये दोस्तों गारंटी है कि जो सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है विजडम बिलो द यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। और ये अगर सिलेबस पूरा पढ़ते हो, आप पूरे वीडियो देखते हो, तो इसकी 100% गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा साइंस का। पढ़ते हैं यहाँ पर, आयाम का आधा हो यानी कि y = रखना क्या है a/2, दोनों समीकरणों में काइनेटिक एनर्जी, ये लो काइनेटिक एनर्जी = 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर - y की जगह पे a/2 लिखना है, तो a² / 4 ये आ गया अपना। इसको और सोल्व करना चाहे तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, एलसीएम लिया तो कितना आया दोस्तों 4 a² - a² सोल्व किया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर 3 a² / 4 ये आया दोस्तों। और बस क्या आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। और स्थिति ऊर्जा याद करना चाहे तो स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी = a/2 लिखना है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² / 4 ये स्थिति ऊर्जा, दोनों स्थिति ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, कोई सा भी क्वेश्चन आए फॉर्मूला है अपने पास, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है को पढ़ना है। ये गति के बारे में पूरा का पूरा स्टडी हो गया है। इसके बाद अपन पढ़ना है अपने को सिर्फ और गति और बल के अंदर बल को पढ़ना है दोस्तों। बल क्या होता है, बल दोस्तों F = ma, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है।